Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to focus on two portions in this slide: optimal foraging and risk attempt or taking risk by the animals during foraging. इसमें पहला part foraging decisions, ये animals जो है वो कैसे decide करते हैं कौन सा food किस वक्त लेना और किस वक्त जो है वो foraging के लिए active होना है, ये हमने discuss किया था with examples of iguana as well as butterfly fish और ग्रीन टर्टल्स. इनकी एग्जांपल्स के साथ हमने बात की थी कि फूड लेने के लिए या फॉरेजिंग के लिए ऑर्गेनिजम्स डिसीजंस किस तरह से कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद कि वो टाइम ड्यूरेशन भी सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस और हैबिटेट कंडीशंस. वी हैव जस्ट सीन दैट एनिमल्स इगुआना दे आर अनएबल टू फीड सबटाइडली फॉर अ नंबर ऑफ रीजन. सबटाइडल जोन जो हमने लास्ट डे भी डिस्कस किया था बेटा, ये सुप्राटाइडल, इंटरटाइडल और सबटाइडल जोन के, सबटाइडल जोन में वो कई रीजंस की वजह से फीड नहीं करते. एक तो ये हमने पढ़ा था कि वहां पे जाके जा रहे उनके बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन होगा वाटर में और दोबारा से उनको कूल डाउन होने में इश्यू हो सकता है, एनर्जी का एक इश्यू है. फिर इसके अलावा टाइम फिर उनको मैनेज करना पड़ता है, एनर्जी लॉस ज्यादा है, टाइम मैनेज करना पड़ता है. तो हम ये कह सकते हैं अनदर वे टू एक्सप्रेस दिस प्रॉब्लम वुड बी टू से दैट द एनर्जी दे गेन they can gain from feeding over there subtidly, जिसे हम कहते हैं net gain जो उनका है, is exceeded by their net energy loss, the energy used swimming and lost cooling. तो energy loss ज्यादा. तो हमने दो वैसे groups पढ़े थे, कुछ जो है वहां पे feed कर रहे थे subtidal zone में जाके depending upon their body size and swimming abilities, लेकिन दूसरे जो है जो group इंटरटाइडल जोन में फीड कर रहा था वो इसको इसलिए अवॉइड कर रहे थे कि इससे एनर्जी लॉस उनका ज्यादा हो रहा था. तो आज हम जो थ्योरी डिस्कस करने जा रहे थे, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल फॉरेजिंग व्हिच इज यूज्ड एज अ टूल फॉर द स्टडी ऑफ फॉरेजिंग एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एनर्जी कॉस्ट एंड गेन्स. क्या ऑर्गेनिजम्स उन हैबिटेट्स को या उन फूड साइट्स को एक्सपोज करते हैं, फूड साइट्स पे ज्यादा फीडिंग करेंगे जहां पे उनकी एनर्जी गेन ज्यादा हो और एनर्जी लॉस कम हो. जैसे ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी इज एक्सप्लेन दैट इट्स अ मॉडल दैट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट हाउ एनिमल बिहेव्स व्हेन सर्चिंग फॉर फूड. ऑल्दो ऑब्टेनिंग फूड प्रोवाइड्स द एनिमल विद एनर्जी, सर्चिंग और कैप्चरिंग में जो उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी उससे उसकी गेन्ड एनर्जी लॉस भी ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसकी फिटनेस मैक्सिमाइज होगी. अदरवाइज अगर उसका एनर्जी लॉस ज्यादा है, एनर्जी गेन कम है, दैट एनिमल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. और इफ टी आप यूज कर रहे होंगे ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी के लिए, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट एन एनिमल कैन यूज टू अचीव दिस गोल. दो साइंटिस्ट है एलन और ह्यूज, इन्होंने एक एग्जाम्पल बेटा थियोरेटिकली वे में एक्सप्लेन किए. बिकॉज दिस मॉडल इज वेरी सिंपलिस्टिक, उसने अज्यूम किया कि ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी में एनिमल्स किस तरह से अपनी फूड चॉइसेस बना रहे होते हैं. इन रियलिटी इट इज लाइकली दैट अ होल होस्ट ऑफ फैक्टर्स सच एज टाइम ऑफ द डे, स्टेट ऑफ द टाइड, रिस्क ऑफ प्रेडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम्स, ये सारे फैक्टर्स जो है वो फॉरेजिंग बिहेवियर को इफेक्ट कर रहे होते हैं. नेवर्थलेस सो लॉन्ग एज वी रिकॉग्नाइज द लिमिटेशंस ऑफ द मॉडल, द रिजल्ट्स ऑफ स्टडीज सच एज द वन वी हैव जस्ट डिस्कस्ड are an invaluable guide to the underlying principles governing foraging decisions. ये iguana वाले examples की बात हम कर रहे हैं जो पहले model discuss किया गया. लेकिन एक और यहाँ पे experimental model बनाया गया जिसमें बेटा use किए गए snail mussels जो के feed कर रहे थे which were the food of crab. क्रैब जो मसल्स पे फीड करते हैं उनके हवाले से एक मॉडल यहाँ पे दिया गया है. दैट दे हैव डन सो इन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इवन मसल्स ऑफ 2 to 2.5 सेंटीमीटर्स ये ऑप्टिमल चॉइस होते हैं शोर क्रैब्स के लिए, जिन मसल्स का साइज 2 से 2.5 सेंटीमीटर हो. दे डू ईट एनिमल्स फ्रॉम द फुल साइज रेंज एज वेल, लेकिन ये प्रेफरेबल चॉइस फॉर ऑप्टिमल फीडिंग उनकी ये क्यों होती है ये इसमें हम देखेंगे. ये राइट साइड पे ये ग्रीन क्रैब जिसकी बात हम कर रहे हैं वो, और इसके अलावा मसल्स उनको जो डिफरेंट ऑफर किए गए स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, एंड फीडिंग ट्रायल्स दे वर मेजर्ड विद रेफरेंस टू अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन
पर इन पर यूनिट टाइम। तो इसको हम यहाँ पे देख रहे होंगे, इनका जो मॉडल, देयर मॉडल डिस्क्राइब्स एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन विच ओनली टू प्रे टाइप्स एग्जिस्ट, एक बिग प्रे है उन्होंने एज्यूम किया और एक स्मॉल साइज प्रे है। बिग प्रे के साथ जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास कि एनर्जी को अगर हम E1 लिख रहे हैं और टाइम को T1, तो एनर्जी E1 ओवर T1 और प्रॉफिटेबिलिटी, जो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम ले रहे हैं E2 बाई T2। ये यहाँ पे E जो है वो एनर्जी को रेफर करेगा और T जो है वो टाइम को, और बिग प्रे की जो एनर्जेटिक एनर्जी है वो डेफिनेटली वो ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू स्मॉल प्रे। E1 की वैल्यू E2 से क्यों ज्यादा, E2 ले रहे हैं हम स्मॉलर प्रे के लिए और E1 लार्जर प्रे के लिए। यूजिंग द इंफॉर्मेशन क्रैप्स एंड डिवाइस दे पोज द क्वेश्चन, व्हेन इट एनकाउंटर्स अ प्रे आइटम शुड द प्रीडेटर ईट इट और कंटिन्यू टू सर्च फॉर फूड। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर कोई प्रीडेटर इजिली प्रे को फाइंड आउट करके उस पर फीड कर रहा है तो उसकी एनर्जी फाइंडिंग में या सर्चिंग में कम कंज्यूम होगी, लेकिन इसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म ये भी देख रहे होते हैं कि जो फूड वो कंज्यूम कर रहे हैं अगर उसका लार्जर साइज है तो ऑब्वियसली ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और सेकंड प्रे को फाइंड करते हुए उन्हें चॉइस करना होता है कि वो सिर्फ लार्जर प्रे को फाइंड आउट करेंगे या स्मॉलर साइज प्रे पर भी फीड कर जाएंगे। अगर तो वो एनिमल फील करता है कि लार्जर प्रे को फाइंड आउट करने में, लार्जर प्रे की डेंसिटी फॉर एग्जाम्पल किसी पॉपुलेशन में कम है और लार्जर प्रे को फाइंड आउट करने में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो सकती है, तो वह एनिमल फिर स्मॉलर साइज प्रे या स्मॉलर साइज जो यहाँ पे मसल्स होंगे उनके ऊपर भी फीड कर रहे होंगे क्रैब्स। बट इफ दे आर फाइंडिंग लार्जर प्रे तो वो स्मॉलर साइज प्रे को इग्नोर भी कर सकते हैं, स्मॉलर साइज जो प्रे है उसको वो छोड़ भी सकते हैं। ये ग्रीन क्रैब्स शोन है और साथ ही जो है मसल्स की स्पीशीज, दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। यहाँ पे उसी प्रॉफिट की बात हो रही है कि ऑर्गेनिजम्स प्रॉफिट को देखते हैं साथ ही, जो S1 के साथ आप देख रहे हैं T1, S1 प्लस T1, ये S1 इस चीज को शो कर रहा है, इस चीज की इंडिकेशन है कि जो सर्च के लिए, S stands for search, सर्चिंग के लिए जो उनकी एनर्जी आया हुई वो भी आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो एनिमल्स इस चीज को यूजुअली एक अडेप्टेशन के तौर पे लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, दे में इग्नोर और दे में प्रेफर द स्मॉल साइज प्रे डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द प्रे। तो उसको इन इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इक्वेशन की फॉर्म में शो किया हुआ है। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस सिंपल मॉडल इज यूजफुल बिकॉज इट अलाउज अस टू मेक अ नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। फॉर एग्जांपल इससे 4 प्रेडिक्शंस जो है वो की जा सकती है। नंबर 1 कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग एनी ऑप्टिमल बेनिफिट लेने के लिए अ प्रेडेटर शुड आइदर स्पेशलाइज ऑन द मोर प्रॉफिटेबल प्रे और ईट बोथ बट नेवर स्पेशलाइज ऑन द लेस प्रॉफिटेबल प्रे। कभी भी वो स्मॉलर प्रे या स्मॉलर साइज प्रे के ऊपर स्पेशलाइज नहीं करेंगे इस केस में, क्यों? क्योंकि स्मॉलर साइज प्रे उनके लिए ज्यादा एनर्जी का सोर्स नहीं है, ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। सेकंड, द डिसीजन टू ईट अ बिग प्रे डजंट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ स्मॉल प्रे, व्हाइल द डिसीजन टू ईट स्मॉल प्रे डज डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ अ बिग प्रे। कि बिग प्रे अगर ज्यादा मौजूद है बिगर साइज के प्रे तो वो उसको प्रेफर करेंगे, लेकिन स्मॉलर प्रे की डेंसिटी ज्यादा मैटर नहीं कर रही होती। And then to decision to specialize, कि किस prey पे feed करना है, it depends upon the distribution of the profitable prey and not on the distribution of less profitable prey as mentioned in the previous point. ये जो specialize से generalize हो जाना है कि हर तरह के prey को जो food को जो वो खा सकें, उसके लिए ये equation given है कि इसमें energy value second prey को search करने के लिए कम होनी चाहिए। या अगर सेकेंड प्रे की जो है आपके लिए फाइंड आउट करने की एनर्जी, फाइंड आउट करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है और वो लार्जर साइज प्रे ही ढूंढा जा रहा है, तो फिर वो दोनों टाइप के प्रे को प्रेफर करेंगे और ये होगा उनके पास जनरलाइज। इट एक्सप्लेन्स दैट दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर सिसाइल दे कैन बी ऑप्टिमल फॉरेजर्स। जो सिसाइल फिल्टर फीडर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल, या सस्पेंशन फीडर या डिपॉजिट फीडर जो वॉटर के अंदर मौजूद होते हैं, दे डू नॉट परस्यू और सर्च फॉर देयर प्रे। वो अपने प्रे को सर्च करने में एनर्जी नहीं लगा रहे होते, वो सिर्फ एक जगह पे स्टैग्नेंट हैं, वाटर करंट से खुद ही उनके पास जो है वो फूड लेके आ रहे हैं, तो वो ऑप्टिमल फॉरेजर्स हो सकते हैं। दे डू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन फॉरेजिंग इन टर्म्स ऑफ फिल्टरिंग अपरेटस, थोड़ा बहुत फिल्टर करेंगे सब्सटेंसेस को, वो बहुत लो कॉस्ट एनर्जी वो इनपुट दे रहे होते हैं जबकि उनके पास आउटपुट एनर्जी अच्छी खासी आ रही होती है, आउटपुट में मैक्सिमम एनर्जी वो ले रहे होते हैं। दैट्स व्हाई
जो नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बट दैट लाइफस्टाइल उनके अंदर सिंपलर स्ट्रक्चर्स और लेसर एडेप्टेशन भी लेके आता है। ये सारे बेनिफिट्स उनके पास नहीं है इस तरह से। सिसाल ऑर्गेनिजम्स सिमिलरली द ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम अदर कंज्यूमर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दैट प्रे सिलेक्शन इज अनलाइकली टू बी कॉमन अमंगस्ट देम। वो सिलेक्शन नहीं कर सकते प्रे की, और फिर अगर उनको एज अ फूड यूज किया जा रहा है तो दूसरे एनिमल्स उनको इजिली फूड के तौर पर यूज भी कर सकते हैं। These models have tested, generated testable predictions, and subsequent experimental work has produced data to support the idea that without doubt the sessile benthic bottom dwellers organism they include some of the most efficient optimal foragers as far as optimal foraging theory is concerned. The next point which we are going to discuss over here with reference to optimal foraging is the migration or movement. As resources at one place, one location are depleted, animal they have to decide that when to move. Almost without exception, a foraging animal depletes the resource available to it. Zahir hai wo khatam ho jayenge resources. At some point, decision must be taken to move on in search of a new patch to exploit. Yahan pe ek scientist ka zikr hai, Chervo. They developed a useful theoretical model in 1976, which he named the marginal value theorem to explore foraging decisions of this kind. कि कब किसी habitat को जो है वो leave करना। He assumed that when an animal is moving between food patches, it does not feed and so must have a net energy intake of zero. Movement के दौरान वो feeding नहीं कर रहे होते। Or to put it in another way, it must pay a search time cost. Which can denote with the letter S. यहाँ पे foraging के हवाले से हमने बात की थी, जो एक plate shown है, that animals जो है वो कब ज्यादा food ले रहे होते हैं और कब जो है वो कम food ले रहे होते हैं। Within groups usually वो ज्यादा feeding कर रहे होते हैं और इनकी migrations या locations भी usually change होती हैं within the groups. In this initial foraging patch, patch one, या जैसे यहाँ पे आपको picture में ये एक graph नजर आ रहा होगा, that graph is showing two patches, patch A and patch B. Alpha patch is the representation of marginal value theorem, and in this case, patch A is more profitable than patch B as it is having more nutrients. और जो x और y की range है, ये यूँ समझने कि it represent the average net rate of energy in the habitat. अब जाहिर है A patch में food ज़्यादा तो वहाँ पे इसकी energy gain भी ज़्यादा, B में कम. लेकिन ये जो small B और small A से आपको ये टाइम नजर आ रहे हैं, फॉर दिस इन द कैपिटल बी विल बी डिजर्टेड एट टाइम स्मॉल बी, जहां पे फूड कम है उसको जल्दी एनिमल जो है वो एग्जिट करेंगे, और जाहिर है जहां पे फूड ज्यादा है उसको एनिमल लेट जो है वो डिप्लीट फूड सोर्स हो रहा है तो उसको एग्जिट भी लेट करेंगे। वी वुड ओनली एक्सपेक्ट इट टू मूव ऑन व्हेन E2 और T2 इन द पैच टू फाइंड व्हिच इट मूव्स वुड एक्सीड एनर्जी 1 एंड T1 प्लस S, कि जो उसे सेकंड पैच से एनर्जी मिल रही है अगर वो पहले पैच से मिलने वाली एनर्जी से ज्यादा है और उसका जो टाइम कॉस्ट उसमें लगनी है चेंज ऑफ प्लेस में, वो भी अगर उसको भी ऐड करें तो उसके बावजूद वो E1 और T1 की वैल्यू अगर ज्यादा, तो तब वो एनिमल जो है मूव करेगा एक पैच के अंदर मिलने वाली एनर्जी अगर उसको ज्यादा। जैसे माइग्रेटिंग एलिफेंट्स अक्सर ये जो माइग्रेट करते हैं फॉर वाटर या ग्रीनरी जब एक जगह पे खत्म हो जाती है तो ग्रासलैंड्स के लिए। However, for this situation to exist, the animal would be required to know the profitabilities of all the food patches available to it. Otherwise, how will it know when it would pay to move? It is unlikely that any animal could have such precise information, and so it would appear that the model is unlikely to reflect the reality. However, it could be possible for an animal to simply compare the patch it is in with an average patch profitability. कहां पे फूड ज्यादा है कहां पे कम है बेस्ड अपॉन प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द हैबिटेट। सो चेर्नोव द साइंटिस्ट हु इज प्रेजेंटिंग दिस मॉडल हैज मॉडिफाइड द मॉडल टू स्टेट दैट एन एनिमल शुड लीव अ पैच। एक एनिमल को जो है उस पैच को कब लीव करना चाहिए, व्हेन द रेट ऑफ एनर्जी गेन एक्सपीरियंस्ड बाय इट इन पैच 1 फॉल्स टू द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑल द पैचेस इन द एनवायरनमेंट। कि जब उसका जो फूड गेन है वो एवरेज पे आ जाए तो उसको पैच लीव करके किसी सेकंड पैच में जहां पे ज्यादा फूड अवेलेबल है मूव कर जाना चाहिए।
As stated above, a key concept in understanding the utility of mathematical models in the study of animal behavior is the idea that a single model might apply on a wide range of contexts on a wide range of animals. Since its conception, the marginal value theorem has been applied to many examples of animal behavior, and not all of them related to foraging. इसके अलावा भी इसके applications हैं. 1998 में पॉल वॉल्टन और उसके कोलीग्स ने इसको अप्लाई किया था इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डाइविंग बिहेवियर ऑफ अ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ सब सरफेस परस्यूट हंटिंग बर्ड्स इंक्लूडिंग उरिया ईगल. ये राइट साइड पे शोन है, गुलीमोथ उरिया ईगल इसको जो है वो बोला जाता है. और मेरे बेटे इसका डाइविंग बिहेवियर कंसिडर किया जाता है कि ये भी ऑप्टिमल बिहेवियर है. कैसे? गुलीमोथ्स दे आर एयर ब्रीदर्स and like all birds have relatively small lungs and larger air sacs to store excess air oxygen held in their air sacs. This contrasts markedly with the situation in mammalian divers like the bottlenose dolphin. Bottlenose dolphin ke lungs larger hain, jabki in birds ke jo lungs hain wo smaller hain, aur usko compensate karne ke liye unke paas larger air sacs. Any diving animal must alternate dives with periodic returns to the surface, क्योंकि diving animal air से oxygen ले रहे होते हैं तो उनको surface पे आना पड़ता है. जितनी lungs की toleration capabilities ज़्यादा होंगी, उतना वो ज़्यादा देर तक dive करेंगे. जैसा कि cetaceans, diving mammals जितने भी हैं, they're having larger lung capacities, larger amount of blood, and as well as more amount of myoglobin. Certain strategies हैं ताकि वो जब dive करें तो ज़्यादा देर पानी में रह सके. But presumably to maximize their hunting success, ये इसलिए होता है ताकि वो hunting success हो सके. और to put in another way, they would maximize their dive to surface ratio. के surface की बजाय वो dive longer duration के लिए कर सकें. Surface पे सिर्फ वो उस वक्त आते हैं जब वो air gulp करें. Walter और उसके colleagues ने इसको use किया as the marginal value theorem to predict the optimal dive surface pattern that one would expect guillemots to display given their particular respiratory physiology. क्यों, किस तरह से इसको maximize करते हैं? Having made this prediction, they used radio tracking equipment to follow activity patterns in a number of birds and found that their actual dive to surface ratio agreed very closely with those that the model predicted. कि dive duration अगर seconds में ली जाए और dive to surface ratio अगर देखी जाए तो वो कहाँ पे ज़्यादा है? They concluded that in situation where the dive could be relatively short, the physiology of the birds allowed them to adjust their time allocation over the dive cycle in a way that would maximize their surface time and therefore maximize their hunting time. Diving birds optimally kaise behave karte hain? The main graph is showing the pattern of dive durations recorded from a shag, a bird, comparing the data with the optimally modeled insect shows that bird dives in a way that it will maximize its dive to surface. कि अपनी सरफेस के ऊपर जो डाइव उसके साथ रेशियो को मैक्सिमाइज कर सके और ऑप्टिमली फीड कर सके. अब आइडियल फीड डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है? The models that we have applied so far do not take into account the fact that whales in some cases foraging alongside the members of the other groups, conspecifics, may be advantageous always. कुछ और भी सिचुएशन है जिसमें फॉरेजिंग एडवांटेजेस नहीं भी होती. मसलन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. इन मेनी सिचुएशन द एक्टिविटी ऑफ वन एनिमल मे डायरेक्टली हिंडर द एफर्ट्स ऑफ अनदर, किसी दूसरे के एफर्ट्स को खत्म कर सकती है. मसलन कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन के थ्रू, या क्लेप्टो पैरासिटिज्म होती है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल का फूड छीन सकता है. वो एनिमल जिसने बड़े एफर्ट से फूड लिया है उसकी वो एफर्ट जाया हो सकती है. ये हमेशा आइडियल कंडीशंस नहीं होती कि ऑप्टिमल कंडीशंस या ऑप्टिमल फॉरेजिंग ही चलेगी. अब यहाँ पे एक मॉडल एक्सप्लेन किया गया है आइडियल फीड डिस्ट्रीब्यूशंस के हवाले से. द पॉइंट इज दैट एन इफेक्टिव मॉडल मे नीड टू टेक इनटू अकाउंट फैक्टर्स ऑफ दिस नेचर, कि उसमें कुछ फर्क डिफरेंसेस भी आते हैं. आइडियल फीड डिस्ट्रीब्यूशन एज एनिमल 1 to 5 दे ज्वाइन द फॉरेजिंग ग्रुप, दे कंटिन्यू टू गैदर एट पैच ए. जो 1 to 5 है इन्होंने पैच ए पे जो है वो फीडिंग जो है वो जारी रखी, तो पैच की प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली कम हो रही है.
as they're feeding. However, the sixth individual can do better. बजाय इसके कि सिक्स इंडिविजुअल इसी पैच पे फीड करे, वो इस वो जरूरी है कि इस ग्रुप में फीड करने के बजाय सेपरेट फीडिंग कर रहा हो. सिक्स इंडिविजुअल कैन डू बेटर देन पैच ए इफ इट गोज टू पैच बी. अगर वो पैच बी में चला जाता है जहां पे जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म फीड नहीं कर रहे, तो उसको डेफिनेटली प्रॉफिट ज्यादा होगा. इन दिस एग्जाम्पल सेवेंथ कुड डू इक्वली वेल एट पॉइंट एक्स और वाई. सेवेंथ इंडिविजुअल भी अगर यहाँ पे काम कर रहा होता तो उसकी फीडिंग एबिलिटी लोअर डाउन होनी थी, लेकिन इधर उसको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा होगा. दैट मींस सेम पैच पे किसी एक ग्रुप के अंदर मेंबर्स की डेंसिटी ज्यादा हो जाना, दैट मे कॉज प्रॉब्लम्स, दैट मे लीड टुवर्ड्स डिक्लाइन प्रॉफिट. फिर इसी को आइडियल फीड डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया कि ऑर्गेनिज्म इस वजह से समटाइम ग्रुप के अंदर रहते हुए कुछ उनको लॉसेस भी हो रहे होते हैं. वन वे दैट फीडिंग एनिमल्स मे इंटरफेयर विद वन अनदर is by the exclusion of subordinates. इसी की वजह से जो hierarchies हैं वो भी develop होती हैं. Ideal feed distribution IFD might predict that dominants should occupy the best patches and subordinates might distribute themselves throughout poorer patches. जो food है उस पे natural condition में foraging के दौरान जो best character के members होते हैं जैसे wolves में है या tigers में, उनमें आइडियल कंडीशन या जो ग्रुप लीडर होगा उसको ज्यादा फूड अवेलेबल होगा. जबकि जो रिस्क होते हैं जैसे प्रीडेशन का रिस्क यहाँ पर डिस्कस किया गया बेटे, कि प्रीडेशन का एक रिस्क एक फैक्टर हो सकता है ऑर्गेनिजम्स को. इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि फॉरेजिंग जो है वो इट्स द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बाय फॉरेजिंग एनिमल कैन इफेक्ट इट फॉरेजिंग बिहेवियर. देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स विच इफेक्ट फॉरेजिंग. मसलन यहाँ पे प्रे और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन. एक प्रे जब खुद फूड दे रहा होता है तो किसी दूसरे का, दूसरे प्रीडेटर का प्रे बन सकता है. इट वुड बी इम्पॉसिबल इन अ बुक ऑफ दिस काइंड टू कंसीडर द फुल रेंज ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज वर्थ लुकिंग एट अनदर फेसेट ऑफ फॉरेजिंग बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ द हंटर व्हेन इट इज हंटेड इटसेल्फ. इसमें एक बात यहाँ पे डिस्कस की गई है कि वो जो हंटर होता है खुद भी अगर वो किसी का प्रे बन रहा है तो वो इस चीज को मेंटेन करते हैं कि किस वक्त फूड के लिए निकला जाए, जब उनको खुद हंट होने का या खुद आपके लिए प्रे बन जाने का खतरा कम हो. एक हंटर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल को. ये सैंड गोबी एग्जांपल्स हैं. सैंड गोबी और ब्लैक गोबी ये फीड करती है बेटा एक कॉपीपोड क्रस्टेशियन दिया हुआ यहाँ पे इसके ऊपर. ये दोनों समझ लें प्रीडेटर्स हैं और ये प्रे हैं. तो ये मेंटेन करती हैं कि किस वक्त इनका अपना ये जो सैंड गोबी और ब्लैक गोबी है इसके ऊपर एक क्वाड फिश दूसरी लार्जर फिश है वो इनकी प्रीडेटर है. दैट मींस सैंड गोबी और ब्लैक गोबी को एक थ्रेट होता है. ये जो क्वाड फिश शो है यहाँ पे इनको एक थ्रेट होता है कि इनके एनवायरमेंट में ये क्वाड जिस वक्त ज्यादा एक्टिव होगी उस वक्त उनको फीडिंग के लिए नहीं निकलना चाहिए. सैंड गोबी को ब्लैक गोबी को भी प्रीडेटर्स आल्टर द हंटिंग बिहेवियर ऑफ द प्रे. अब इसमें प्रे क्या है इस एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे हैं. प्रे है बेटे यहाँ पे शोन ये गोबी फिश. अब प्रीडेटर इसको अल्टर कर सकता है. सैंड गोबीज एंड ब्लैक गोबीज दे हैव रिड्यूस्ड हंटिंग सक्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रीडेटर. ऑब्वियसली किसका भी थ्रेट होगा इस प्रीडेटर का. सो प्रोबेबली बिकॉज दे रिड्यूस द टाइम दे स्पेंड एक्टिवली, क्योंकि वो उनकी एक्टिविटी कम कर देगा. वो प्रीडेटर का होना उनको इनएक्टिव बिहेवियर के लिए मजबूर करेगा. And conspicuously foraging भी इनकी कम हो जाएगी जाहिर है. But if they are hungry, they will take greater risk. अगर ये sand gobi या black gobi ये starved है, fed नहीं है और predator absent है तो इनकी feeding activity ज्यादा होगी. जहां पे predator present है इनकी feeding activity कम हो गई है. लेकिन अगर इनकी starvation भी हो और predator present हो starvation के बावजूद, तो फिर बेटा ये risk लेंगे. तो इसका मतलब एनिमल्स फॉरेजिंग के लिए इन रिस्क फैक्टर्स को भी काउंट कर रहे होते हैं कि रिस्की एनवायरनमेंट में कैसे फीड करना है उसको. वो मैनेज इस तरह से करते हैं कि जहां पे प्रीडेटर एक्टिव है तो वो खुद इनएक्टिव हो जाएंगे, कम फीड करेंगे. और अगर प्रीडेटर अवेलेबल नहीं है, प्रीडेटर का जो टाइम प्रीडेटर मौजूद नहीं है, तो उनकी जो फीडिंग है वो ज्यादा होगी. यहाँ पे सबटाइटल जोन के हवाले से एक और एग्जाम्पल डिस्कस की गई है. इसको आप खुद रीड आउट कीजिएगा एक एग्जाम्पल को. इसमें क्यूरीज हो तो वो इंशाल्लाह एंड पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे फिर.